कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे? क्रिस्टल जालक पढ़े थे, क्रिस्टल जालक के बाद इकाई सेल पढ़े थे, ये सब पढ़ लिए हैं। इकाई सेल के क्या हम लोग पढ़ रहे थे? प्रकार पढ़ रहे थे। ठीक, तो चलिए हम प्रकार बताते हैं एक बार फिर से और उसके बाद बताया जाएगा। ठीक, देखिए हम क्या पढ़े थे, इकाई सेल। कौन सा सेल था? हाँ, इकाई सेल किसे कहते हैं कोई बता सकता है? इकाई सेल किसे कहते हैं कोई बता सकता है? जिसको बार बार दोहराने पर किसका निर्माण होता है? हाँ, संपूर्ण जालक या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल के कितने प्रकार थे? चार प्रकार थे। इकाई सेल कितने प्रकार के? हाँ बोलो, हाँ चार प्रकार के। कितने प्रकार के? हाँ, सबसे पहले आपको बताया गया था, फर्स्ट क्या बताया गया था बताइए? हाँ, क्या? सरल घनीय, घनीय सरल घनीय एकक। अच्छा, एकक हम क्या लिख रहे हैं? कोष्ठिका। इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको इकाई सेल भी लिख सकते हैं। ठीक, एकक कोष्ठिका। दूसरा क्या था? दूसरा बताइए, दूसरा क्या था? हाँ, अंतः केंद्रित। क्या था? हाँ, अंतः केंद्रित या केंद्रित कर लीजिए एकक। हाँ, एकक क्या था? कोष्ठिका। ये हमने पढ़ लिया है कोष्ठिका। कौन सा ठीका है? हाँ, कौन सा ठीका? हाँ, ये देखिए तीसरा क्या था? तीसरा बोलिए तो, तीसरा था फलक। कौन है फलक? कौन है फलक? फलक क्या था? हाँ, कौन सी? एकक कोष्ठिका। फिर से आ गया ठीका। तो ठीका कौन सा ठीका ये है? हाँ, कोठरी वाला ठीका है ये। ठीक, चौथा क्या था? हाँ, अंत्य। ठीक, अंत्य के साथ क्या लगा रहे थे? केंद्रीय। ठीक, और क्या था? एकक कोष्ठिका। ठीक, और बताओ इसको और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं इन सभी लोगों को? चारों के बारे में बताइए, और किस नाम से जानते हैं? हाँ, इनको किस नाम से जानते हैं? हाँ, इन्होंने SSC पास कर लिया है। इन्होंने SSC नहीं, ये SSC नहीं है, SCC है। कौन CC है? हाँ, ये वाली CC नहीं है। ठीक, ये इसको कौन सी CC कहते थे? हाँ, BCC कहते थे। इसका पूरा नाम बताइयो तो बताइए पूरा। हाँ, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। ठीक, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। इसका बताइए दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, इसको क्या कहते हैं? FCC, बोलो। हाँ, हाँ बताइए इसका नाम, पूरा नाम बताइए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। ठीक, इसका नाम बताइए दूसरा का नाम क्या था? हाँ, कौन सी? हाँ, ई। कौन सी? ECC। इसका पूरा नाम बताओ जल्दी से, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इंड होगा। ये आपके क्या है? सेंटर्ड, हर में रहेगा, हर जगह। ये यहाँ से यहाँ तक के क्या है? सेंटर है। ये क्या है? यूनिट है। ये कोष्ठिका को क्या है? सेल है। ठीक, ये आपके थे चारों। कल हमने जो इसके बारे में पढ़ा था, आप सभी ने पढ़ा था, आज इसी के बारे में एक एक हेडिंग करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या क्या होती है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्या है? अच्छा, इसमें हम लोग बताओ मेन उद्देश्य क्या है इसका, इस कोष्ठिका का पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है? इस कोष्ठिका का पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग बताओ एक कोठरी की क्या कर सकते हैं पता, लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, या फिर हम इसमें जितने ये ईंट दीवार लगाए गए हैं ये सभी जो है कड़। अब इसमें हम लोग तो लंबाई इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ईंट तो दीवार पढ़ेंगे नहीं केमिस्ट्री में। इसमें क्या पढ़ना है कि जो कड़ होते हैं कड़ कहाँ कहाँ रखे गए हैं। आपको मैंने बैठाया तो आपको कहाँ कहाँ बैठा यही पता करना है। ठीक, बताओ ए बलक कोठरी, ओ बलक कोठरी, कोठरी कोठरी, ऐसे चारों ओर मिल करके क्या बना था ये आपका? स्कूल। स्कूल को क्या कहते थे? क्रिस्टल जालक कहते थे। ठीक, बताओ कई कोठरी कई कमरा मिल करके क्या बने थे आपके? मकान बने थे, घर बने थे, उसको क्या कहते थे? घर को क्रिस्टल जालक कहते थे। ये सारी बातें हमने कल बताया था आपको। ठीक, आज वही हमको पढ़ना है कि जो हम मकान बनाते हैं वह कोठरी जो होती है उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई की होती है, यही सब चीज इसके अंतर्गत सीखना है। और उसमें हम कहाँ से बीम लगाते हैं, कहाँ जो कुछ भी लगाते हैं सेम उसे ही बताया जाएगा कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले कौन सी हेडिंग आपकी होगी, ये इतना बात नोट कर लिए हैं? तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो फटाक से लिखिएगा, फटाक से लिखिए। हम बताते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है।
क्या होती है ये बताया जाए आपको। कोई कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए, बताएं, बतलाया जाए, बतला शुरू किए। पहली हेडिंग का नाम है सरल घनी एकक कोष्ठिका, या तो आप इसको लिख सकते हैं आर अथवा करके SCC, ठीक। पेपर में आपसे सरल घनी भी पूछ सकता है, पेपर में आपसे SCC भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा जाता है, ये श्योर है कि पूछा जाता है। इस पर हम लोग क्षमता भी निकालते हैं, इसकी संकुलन क्षमता भी निकाला जाता है, पैकिंग इफिशियंसी ये भी निकाला जाता है, ये सब बताया जाएगा आपको कैसे निकाला जाता है, सबका डेरिवेशन है, ठीक, बताया जाए। चलिए बताए, इकाई सेल को हमने बताया था आपको, इकाई सेल का कुछ ऐसे हमने चित्र बनाया था, आपको याद होगा कुछ मैंने इस तरह चित्र बनाया था। इस चित्र का नाम क्या था? क्या घनाभ? नहीं 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 नहीं, भूल रहे हैं आप। इस चित्र का नाम, हाँ नाम तो इसका क्या था? हाँ सेल है, नाम इसका था ना इकाई सेल। अब इनको देखिए, इनको इनसे कोने से मिला दिए, इन कोप्चे को इस कोप्चे से मिला दिए, इनको बताओ इनसे मिला दिए, इनको इनसे मिला दिए, क्या बन रहा था आपका? इकाई सेल बन रहा था। अब इसी इकाई सेल के बारे में समझना है कि जो हम लोग बनाएंगे, किसका इकाई सेल बनाएंगे, मान लिया जाए कि जैसे NaCl का, NaCl का नाम बताइए, नमक, नमक यही है ना, जो डोक्का का नमक होता है ना, डोक्का वाला नमक देखे हैं, वही डोक्का वाला कैसे बनता है उसी को बनाएंगे। उसका एक डोक्के में जो कड़ होते हैं, वह कड़ कहाँ कहाँ रख करके उस डोक्का तैयार किया जाता है, उस डोक्के को तैयार किया जाता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। अब देखें डोक्का वाला नमक कहाँ देखे हैं, मिलता है अभी नहीं, गलिया है, गलिया नहीं, नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, मिलता है लाल वाला मिलता है नहीं, ये भी मिलता है ऐसे तो नहीं, हम भी दुकान वाले हैं, नहीं मिलता है कन्हैया क्या। अच्छा चलिए ठीक है, अब ये जो इसके कड़ हैं, अच्छा बताइए इनके कड़ बनेंगे तो कौन कौन से कड़ बनेंगे बताइए, तो इनके कड़ कौन कौन से बन सकते हैं, Na+ बन सकता है और क्या Cl- यही कड़ बनेंगे। तो अब इनके कड़ को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कौन से कोष्ठिका का निर्माण होगा वही हमको पढ़ना है, ठीक। चलिए बताइए ये क्या है, इकाई सेल, ठीक। अब देखिए इकाई सेल में क्या मिलेंगे, कड़ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कड़ मिलेंगे। तो अच्छा अवयवी कड़ जानते हैं, अवयवी कड़ जैसे हम कह दें कि इस क्लास का अवयव कौन है, तो कौन है इस क्लास का वो, आप सभी लोग हैं, एक एक लोग मिलकर के क्या बनते हैं, अवयवी कड़ बनते हैं, ठीक, अवयवी कड़ बनते हैं। जैसे आपका समूह, कौन सा समूह होता है, तो समूह में क्या होता है, एक एक लोग पूरे मिल करके तब जाकर के आपके क्या बनते हैं, क्यों राजपूत गुरु, आई थिंक ग्रुप, हाँ ठीक, ग्रुप मतलब जो होता है, तो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक एक लोग मिलते हैं, एक एक कण मिलते हैं, एक एक पार्टिकल मिलेंगे। अब देखिए वैसे यहाँ आपको क्या बनाना है, एक एक क्या बनाने, कण किसके किसके कण लेने हैं, किसी के भी कण लीजिए, केमिस्ट्री में होने चाहिए, ठीक। अब चलिए इनके हम कण लेते हैं, क्या क्या बनता है देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये आपके पास है एकक कोष्ठिका, क्या है एकक कोष्ठिका। जब एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण होते हैं, बोलिए एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, बोलिए एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, हाँ थोड़ा आवाज आए, एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, जब क्रिस्टल जालक के केवल और केवल सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, हेडिंग कहलाते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं बताइए, बताइए कैसे क्या होंगे। यदि अवयवी कण क्रिस्टल जालक के संपूर्ण कोने कह लीजिए, या तो केवल कोने कह लीजिए, या सदैव कोने कह लीजिए, कोनों पर उपस्थित होंगे उसे क्या कहा जाएगा बताइए, हेडिंग कहा जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यदि अवयवी कण क्रिस्टल जालक के, यही ना क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक का एक भाग है। अब ये बताइए क्रिस्टल जालक के अवयवी कण जो होंगे कहाँ उपस्थित होंगे, हाँ कोनों पर उपस्थित होंगे, कोनों पर। फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको पॉइंट याद करनी है, क्रिस्टल याद करना है, क्रिस्टल पिस्टल नहीं, क्रिस्टल, ठीक। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद करनी है, दूसरी पॉइंट याद करनी है, क्रिस्टल जालक के कौन से किस स्थान पर होंगे, कोनों पर होंगे, कोनों पर, ये याद कर लीजिए बस। यदि अवयवी कण कहाँ होंगे, क्रिस्टल जालक के कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सरल घनी एकक कोष्ठिका। बताओ जैसे ही सरल का नाम आएगा तो मन में क्या ख्याल आएगा, जैसे ही मन, जैसे ही किसका नाम आए, सरल का नाम आए, तो मन में ख्याल आ जाना चाहिए कोनों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है,
कोने की, कोपचे की बात हो रही है, बताओ कोपचे की बात कब, सॉरी कोने की बात कब होगी? हाँ, जब जब सरल आएगा तब। ठीक, सरल कब आएगा? जब कोनों की बात होगी। वही घुमा फिरा करके दोनों बात है। ठीक, जब कभी भी बताओ सरल घनीय का कोष्ठिका आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे? कि क्या बताएंगे? यदि अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की कोष्ठिका को क्या कहते हैं? हाँ, सरल घनी एक कोष्ठिका कहते हैं। गौर फरमाइएगा। ठीक, सुनिए क्या कहते हैं, पता चला? एक बार अपने मन से बोल दीजिए, हम मान जाएंगे पता चल गया आपको। बोलिए, यदि अव्यवीकरण, अच्छा हमारे साथ एक बार बोलिए, उसके बाद बोलिएगा। यदि अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक के कोनों पर उपस्थित हो तो उसे सरल घनी एक कोष्ठिका कहते हैं। याद हुआ? रट रहे हैं, याद कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? अब देखिए, ये क्या एक कोष्ठिका है। अब बताइयो इसके कोने कितने होंगे, गिनिए कितने कोना होंगे, बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने होंगे? 8। चलिए यहाँ कड़, हम देखिए कड़ बना रहे हैं, ऐसे कड़। मान लिया जाए कि ये क्या है आपके, कड़ है, कड़ किसके कड़ है ये? हाँ, क्रिस्टल जालक के कड़ है। किसके कड़ है? क्रिस्टल जालक के। बताओ कहाँ है? बताओ कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। बताओ 8 कोने हो गए। बताइयो इसी को क्या कहा जाएगा? हाँ, अब जब जब आपके केवल और केवल ऐसे बने, केवल और केवल कैसे बने, ऐसे जब केवल और केवल बने तो इसको बताओ क्या कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाएगा बस बस। क्या कहेंगे? बस बस। क्या कहा जाएगा? हाँ बस, इकाई सेल कहा जाएगा इनको, इकाई सेल। आज जैसे ही बताओ इन पर क्या बिछा देंगे आप? जाल बिछा देंगे, कड़ लगा देंगे। कड़ क्या लगा देंगे? कड़। जैसे ही बताओ इनमें कड़ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे उसे? सरल घनी एक कोष्ठिका। बात पता चली? कब इकाई से लोगा, कब सरल घनी होगा, पता चला? जब बताओ ये मिट करके ये क्या कर दिया जाए, मिटका दिया जाए इनको। जब हम क्या कर देंगे? मिटका देंगे। चलो इनको मिटका दिया, बताओ मिटका देंगे तो ये क्या हो गए? इकाई से। जैसे ही बताओ कोने पर इनके क्या लगा दिए? कड़ लगा दिए। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम? बस बस ये लिखना आपको। हाँ बता तो रहे हैं, केवल और केवल नहीं। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आठों पर जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। ठीक, नहीं कहा जाएगा, ऐसी संभावना नहीं, तब उसके दोष पड़ जाएंगे ना। मतलब बताइए, जैसे जैसे बताइए ये हम क्या बना, ये क्या है? मार्कर है। अगर इसमें हम जितने मटेरियल भरे उतने न भरे तो बताओ क्या हो सकता है? आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी जीता जागता एग्जांपल बता रहा हूँ। बी में देखें घर की बनती है, कभी उसमें मसाला अगर कम पड़ जाता है नीचे, में देखिए खाली पड़ जाता है। नहीं अगर जानते हो, नहीं जानते हो, आप खुद बताइए रोटी बनाते हैं, लोहा लेते हैं, इतने बड़ा लेते हैं, इतने बड़े लोहे की अगर आप रोटी बना रहे हैं, अगर कभी लोहा कम ले लेंगे तब क्या बनेगी रोटियां? छोट बन जाएगी। तो निश्चित क्रम में होंगे नहीं होंगे? पहले जैसे कि अपेक्षा क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। तो छोटे होंगे तो ऐसे जब इसमें क्या कर देंगे, किसी में अगर कड़, मान लीजिए कि यहाँ कड़ नहीं है, मान लिया जाए क्या यहाँ है, यहाँ आपके क्या है, कड़ नहीं है। बताओ जब कड़ नहीं रहेंगे तो भगवा का होगा इसी में धस जाएगा। ईटा देखेंगे, ईटा ईटा के जब बराबर मात्रा में नहीं आ पाते हैं तो किसी भाग में क्या हो जाता है, धस जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कोना हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तब इनके हम लोग दोष पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, किसके दोष पढ़ेंगे? ना ना, क्रिस्टल जालक के। किसके? क्रिस्टल जालक के। पूरी जो आपको पूरा क्या है, ये पूरा जो जितना चारों बताया गया है, चारों के हम लोग क्या पढ़ेंगे? दोष पढ़ा जाएगा। ठीक, पूरे एक हफ्ते का क्लास है दोष। दोष में एक हफ्ता पढ़ा जाता है कि मतलब इनके दोष क्या होते हैं। दोष में आपके दो प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति दोष होता है, अरस समीकरण मिति दोष होता है। फिर इनके प्रकार आते हैं, रस समीकरण मिति के भी प्रकार आते हैं और रस समीकरण मिति के भी प्रकार आते हैं। ठीक, तो दोष पढ़ा जाता है, इनमें दोष पढ़ा जाता है। क्रिस्टल जो होते हैं कि जब कभी भी अगर कभी कड़ जो है मान लीजिए कि कड़ जो है या तो बहरे निकल गए, या तो जैसे जालक बना तो एक कोठरी न है, ऐसे मिलकर ऐसे बनेंगे तो क्या बनेगा? जालक बनेगा। अब जालक में से कौन एक कड़वा बहरे निकल गया, बनाते समय क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, अभी ये बताइए जो स्ट्रिंग लगती है, अगर कभी देखते हैं कि जब पटरा होता है जो नीचे से हम लोग लगाते हैं इस पर, इसको जो रोकने के लिए टिकाव के लिए ऐसे लगाया जाता है, अगर उड़ जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा लप जाता है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? दोष है। आप उसको स्ट्रिंग वाले को तुरंत गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे आपने लिया बताया, पैसा तो पूरा लिया, पैसे हम कभी नहीं किए आप, लेकिन कहीं ऐसे कर दिए कि हमारा देव है नीचे आ गया मकान।
ये जो आरसीसी होती है वैसे में कमी आती है, वैसे इसमें भी समझना है तो इसके लिए आपको ऑलरेडी दोष बचा है, ठीक आपको लिखवाया गया है, दोष हेडिंग लिखवाया गया। देखिए जो चार्ट आपको बनवाया गया पहले लेसन में क्या क्या पढ़ना है, वहाँ क्रिस्टल में आपके रिक्ति नाम का पढ़े हैं, रिक्ति रिक्ति, हाँ उसमें खाली स्थान हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब चीज उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो समझना क्या आपको, बोलिए फिर से एक बार बोलिए, भूल गए परिभाषा, हाँ यदि अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोनों पर, कितने हाँ प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो या होते हैं तो इस प्रकार के क्रिस्टल को सरल घनीय या इस प्रकार के कोष्टिका को सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं। लिखिए परिभाषा, लिखिए गौर फरमाइएगा, लिखिए हाँ, कवि ने पहले लाइन में कर डाल दिया, लिखिए क्या लिखेंगे, जब लिखेंगे, यदि यदि लिखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है, लिखिए यदि अव्यवीकरण, यदि अव्यवीकरण हाँ क्रिस्टल जालक के, यदि अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तो, नहीं होते हैं, प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं, प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार के कोष्टिका को, तो इस प्रकार के कोष्टिका को बस बस हेडिंग कहते हैं, तो इस प्रकार के कोष्टिका को क्या कहा जाता है, हाँ हेडिंग कहा जाता है। मेन मुद्दा क्या है, नोट कर लिए, नोट हो गया कितना का, नोट लिख लिए, चलिए अब नोट में क्या होता है, नोट में क्या होता है, यदि अव्यवीकरण क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोनों पर या सभी कोनों पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाएगा, हाँ उसे कहा जाएगा सरल घनीय एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, तो ये जायज है बनाना, तो इसको छापा, यहाँ देखकर छापा, कोष्टिका बनाएंगे, कोष्टिका में बताओ क्या लिखेंगे, कड़ को आप प्रत्येक कोनों पर आपको लगाना है, लिखना है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा, लिखे बना रहे हैं इसको, एक नीचे और लिखिए, दूसरी परिभाषा एक और लिखिए, एक परिभाषा और लिखें सभी लोग, एक परिभाषा हाँ जी लिखिए, एक परिभाषा और लिखना पड़ेगा, सुन लीजिए क्या परिभाषा है, परिभाषा आपकी ये है कि यदि अव्यवीकरण एकक कोष्टिका के, कौन से कोष्टिका के, हाँ यही ना, एकक कोष्टिका, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्टिका के सभी कोनों पर या प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तो क्या कहा जाएगा, सरल घनी बोलो, हेडिंग कहा जाएगा, हाँ हेडिंग किसे कहते हैं, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तो क्या कहा जाएगा, लिखिए ये भी बात लिखिए जल्दी तुरंत, करंट किधर लिखिए, तुम लिख लिए क्या लिखे, बोलिए हम बोले लिखिए, यदि अव्यवीकरण, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्टिका के, यदि अव्यवीकरण एकक
एकक, कोष्टिका के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तो, उपस्थित हो तो बोलो क्या कहेंगे? हाँ, हेडिंग कहेंगे, हेडिंग कहेंगे। कोनों पर उपस्थित हो तो सरल घनी एकक कोष्टिका कहलाते हैं या कहते हैं, या इस प्रकार की कोष्टिका को सरल घनी एकक कोष्टिका कहते हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हाँ, जो भी मन में आए उसको लिख सकते हैं। बस दो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि अवयवी कण रहेंगे क्रिस्टल के कोनों पर, कह लीजिए। अच्छा, क्रिस्टल के कोन अगर नहीं कह पा रहे हैं तो आप क्या कह दीजिए, क्या कह दीजिए, किसके कोने पर? हाँ, कोष्टिका के, या तो एकक कोष्टिका के। कौन से कोष्टिका? हाँ, ठीका है ये कोष्ठिका, ठीक। तो इनके कोनों पर होंगे तो क्या कहा जाएगा? इनका चित्र बना लिए, चित्र बना लिए। यही देखिए, मैं प्रभावी कण भी नोट कराता हूँ। यही कौन से कण? प्रभावी कण। प्रभावी कण आपको अलग से भी पढ़ना, लेकिन यही देखिए, प्रभावी कण। प्रभावी का मतलब क्या होता है बताइए? प्रभावी का मतलब जानते हैं? प्रभावी कण, कण को डोनेट किया जाता है, नहीं डिनोट किया जाता है। हाँ, डोनेट नहीं, डोनेट का मतलब दान हो जाएगा। क्या, किससे? बड़का जेट से, ऐसे खुल के बोलिए, कैपिटल जेट से, बोलिए कैपिटल जेट से। हाँ, किसको? प्रभावी कण को। प्रभावी कण क्या होता है? प्रभावी कण ये होता है कि इसमें जो कण, अच्छा प्रभावी कण, इसमें टोटल, इसमें कण कितने हैं कोने पर? आठ है। टोटल कण कितने हैं? आठ है। अब आठों इस कोष्टिका में कितना भाग लिए हैं, कितना भाग लिए हैं, ये पढ़ा जाता है क्या? प्रभावी कण। ये क्या है, ये क्या है बोलिए? हाँ, ये ही डब्बा है, यही ना है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया जाए, ऐसे इसको घुमा दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए, तो ये हो गया आपका, देखिए ऊपर वाला भाग हो गया, ये देख रहे हैं। आइए साइडिया वाला कैसे घुमाएं, ये ऐसे घुमा दिए, चलिए ये हो गया आपका साइड वाला भाग, इधर का हो गया, ये हो गया नीचे वाला भाग, ठीक यही है। अब आपको बताना है कि जैसे एक गोली है किसी के पास, नहीं गोली नहीं है, गोली नहीं है, चलिए गोली नहीं है, अच्छी बात है, सुनिए ध्यान से। चलिए देखिए, देखिए ये, देखिए ये आपके क्या है, कण है, गोली है, ठीक। अब बताओ इसी को कहाँ रखना है? कोने पर रखना है, कोने पर, कोने पर रख दिए। बताइए इसका कितना भाग इस डब्बे के अंदर आएगा, इसी को निकालने के लिए क्या पढ़ा जाता है? प्रभावी कण, ठीक। ऐसे बताओ, कोने पर यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां, यहां कितने जगह रखेंगे? आठ जगह टोटल रखेंगे। बताओ जब इसको आठ जगह जब टोटल रखा जाएगा तो इसके कितने कण, ठीक, इसके कितने कण इसमें आएंगे, कितने भाग इसमें आएंगे, यही पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रभावी कण। बताओ ऐसे गोली है, अब गोली को बताओ इसमें रख देंगे तो इसका कितना भाग आएगा? नहीं जानते हैं, कितना भाग इसके अंदर आएगा और कितना भाग बाहर जाएगा, बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो इसके अंदर आएगा उसी से मतलब है। तो जब कभी भी आपको सूचना मिले, क्या सूचना मिले? सरल, क्या मिले बताओ? जब कभी भी आपको सरल मिलता तो मन में क्या ख्याल आना चाहिए? हाँ, कोनों पर। बताओ जैसे ही कोने पर आए, किस पर आए? हाँ, कोनों पर जैसे ही मन में ख्याल आए तो जितने कण होते हैं उसके कण में आपको गुणा कर देना है एक बटे आठ से। कितने से? एक बटे आठ से कणों में क्या कर देंगे आप? गुणा कर देंगे। बताइए कितने कण हैं? आठ है, क्या है? चलिए प्रभावी कण मान लिया, जेड बराबर कितने मिल गए आपको? अच्छा, टोटल कणों की संख्या कितनी है? आठ। और इसमें कितने से गुणा करना है? एक बटे आठ से। बताओ एक बटे आठ से गुणा करेंगे, बोलो क्या मिलेगा? एक मिलेगा, एक मिलेगा। यानी बोलो इसके, बोलो जेड बराबर कितने मिल गए? एक मिल गए, एक। कितने मिल गए? एक का मतलब क्या है कि तनी तनी, कितनी कितनी, तनी तनी भगवा मिल करके, यहाँ तनी सा मिली, तनी सा यहाँ, तनी सा यहाँ, तनी तनी मिल करके टोटल भाग के तनी बन जाए, कितनी गोली? एक गोली बनेगी, ये बात बताई जा रही है। बात समझ में आई? सुनिए ध्यान से, गोली है, खेलते हो, फूट जाती है, आधा हो जाती है, टुकड़ी हो जाती है, ठीक। उसको और फोड़ दीजिए एक बार, और टुकड़ी बनेगी, ठीक। एक बार और फोड़िए उसको, और टुकड़ी बनेगी। तो जौन टुकड़िया तीन बार दो बार फोड़ने में जो मिलेगी वह छोड़ के कोनवा में अंदर वाला भागा ही, बाकी सबका हो जाएगी
बाहर हो जाएगा। तो तनी सा यहाँ तनकी तनक मिल करके टोटल टोटल आठों जगह यहाँ तनकी तनकी मिल करके टोटल कितनी गोली हो जाएगी? एक गोली हो जाएगी, ये बात बताई जा रही है। ठीक, गोली का मतलब कंचा गोली, अंटी वाली, यही वाली। ठीक, यही बात आपको बताई जा रही है कि जो कड़ है। अच्छा, यहाँ गोली आपको नहीं लेना है, यहाँ कड़ लेना है। कड़ किनके हो सकते हैं? इनके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं। तो इनके जो छोटे छोटे कड़ जो है टोटल कितना आएंगे? एक आएंगे। ठीक, कोई आपसे पूछे, क्या पूछे कि बताइए सरल घनी, तो तुरंत मन में क्या ख्याल आना चाहिए? हाँ, उसमें जो प्रभावी कड़ होते हैं यानी सरल घनी का जेड का मान बोलो कितना होता है? कैसे आया पता चला? जब कभी भी चाहे किसी के बारे में बात की जाए, यदि कोने के बारे में आ गया, कोपचे का नाम मिल गया, तो तुरंत उसमें संख्या में कितने से गुणा करना है? 1/8 से गुणा कर देंगे, उसका प्रभावी कड़ निकल कर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल सुनिए। हम बताइए, आप में से बताइए, ये जो कमरा है, कमरा में देखिए एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चार, ठीक, इसी के ऊपर बोलो पांच, इसी के ऊपर छह, इधर इधर आठ हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि आठ लोगों को बैठा दे रहे हैं, ऊपर बैठा रहे हैं, और कहाँ बैठा रहे हैं? कोने पर बैठाएंगे, कोने पर। यहाँ बैठा दिए, आठ लोगों को बैठा दिए, तो बताइए उनका जो भाग होगा, उनका क्या होगा? उनका जो भाग होगा मतलब कितना अंदर रहेंगे, कितना बाहर रहेंगे, कितना अंदर रहेंगे, कितना बाहर रहेंगे। तो प्रभावी कड़ आपका क्या कहता है? प्रभावी कड़ आपका क्या कहता है कि अंदर वाली बात। कौन वाली बात करता है? हाँ, अंतर नहीं, कौन वाली बात? अंदर वाली बात बताओ कौन करता है? प्रभावी कड़। तो प्रभावी कड़ यही बताता है कि अंदर कितने हैं। तो बताओ अगर आप आठों लोग बैठे हैं, तो आठों लोगों को अगर बाकी छांट दिया जाए, मेढी छांटते हैं, छांट दिया जाए, वैसे बताओ छांट दिया जाएगा तो कितनी अंदर मिल पाइया? एक जगह यहाँ 1/8 मिल, यहाँ एक जगह का मिलेंगे 1/8, ऐसे ऐसे आठों जगह मिलेंगे, तो तब जाकर के क्या हो जाएगा? उनका एक भाग हो जाता है। बात समझ में आई कि मतलब टोटल लोग बैठे रहेंगे, टोटल व्यक्ति की संख्या एक आएगी। ठीक, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि सरल घनी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? यदि अवयवी कण एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? सरल घनी एकक कोष्ठिका कहा जाता है। अगर उनके प्रभावी कण की संख्या पूछे तो प्रभावी कण कितने होते हैं ये आपसे नहीं पूछेगा, निकालिए, ये नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा इनका मान सवाल में रखा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? ये चित्र बनाए थे प्रभावी कण लिख करके, उसी में, उसी चित्र के बगल में अगर यहाँ जगह हो या यहाँ जगह हो तो प्रभावी कण लिख करके जेड का मान निकाल लीजिए। ऐसे 1/8 करके जेड बराबर आठ आता, एक आता, सॉरी जेड बराबर एक आता है। क्लास छोड़ेंगे तो पक्का समझने की गारंटी हमारी नहीं है, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कल जो है क्रिस्टल जालक क्या होता है ये सब कुछ बता दिया गया था। अब उसी से निर्माण से होकर के आ रहे हैं ये लोग। अब इसके बाद क्रिस्टल जालक तक लास्ट था, क्रिस्टल जालक तक जिन लोगों को नहीं आया है, अब उन लोगों को दोष के बाद आएगा समझ में। मतलब जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग अब इनके जो इनके डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन भी किया जाएगा, तो उन लोगों को नहीं आएगा। इसलिए सस्ता उपाय यही है कि पिछली वीडियो देखें। ठीक, जैसे कल लोग आए थे, एक नहीं छोड़ सकते, मतलब दो विषय नहीं पढ़ सकते, तीनों नुकसान कर सकते हैं। दो विषय नहीं पढ़ सकते, तीनों नुकसान कर सकते हैं। तीन नुकसान करने के लिए क्षमता है, लेकिन एक नुकसान करने के लिए क्षमता नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, ये पता चला? अगली हेडिंग कौन सी होगी? दूसरी हेडिंग बोलिए, नोट कर लिए इसको, मिटका दें। चलिए फटाफट अगली हेडिंग नोट करिए, तब तक मैं लिखता हूँ। हाँ, एक बटे आठ है क्या? 1/8 खुद बताए तब न गुणा किए हैं, वही ना गुणा किया गया है। बात तो समझ में नहीं आ रही है। क सीसी सीसी नहीं लिए हैं क्या आप लोग? सीसी को याद करिए, समझ में आएगी। सीसी याद करिए, अब की किसकी सीसी की बारी है? कौन सीसी की? बी सीसी की बारी, बी सीसी की। ठीक,
चलिए दूसरी हेडिंग क्या है, दूसरी हेडिंग का नाम क्या है? अंत हाँ एकक एकक कोष्ठिका। देखिए ठीका पर सी सी मिलती है जानते हैं, देखिए वही लिखवा रहे हैं साफ साफ, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है ठीका, क्या लिख रहे हैं ठीका, और साफ साफ नाम भी लिखा जा रहा है, देखिए कौन सी सी, देखिए बी सी सी, बीस गो सी सी, देखिए साफ साफ लिखा भी जा रहा है। चलिए अब देखिए, अब आपको पढ़ना है सबसे पहले एक बार फिर से पिछली आपको क्या बताया गया, पिछला हेडिंग क्या बताया गया, परिभाषा, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्ठिका के कहां उपस्थित होंगे, हाँ किसके एकक, मैं नोट कर रहा हूं एकक किसके, हाँ एकक कोष्ठिका के कहां उपस्थित होते थे, कोनों पर, कोनों पर कहां उपस्थित होते थे, कोनों पर। इसमें क्या जोड़ना है कि कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर उपस्थित होंगे लेकिन उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त, उसके अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर, उसके अतिरिक्त कहां होंगे बोलो जल्दी से, हाँ बस बस कोष्ठिका के कहां होंगे, केंद्र पर होंगे, केंद्र पर, उसी को बताओ क्या कहा जाएगा, हाँ बोलिए परिभाषा, इनको मिलाकर बोलिए, इनको देखते हुए परिभाषा बोलिए, देखिए सुनिए ध्यान से, यदि अव्यवीकरण एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, ठीक, कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो तो हाँ उसे क्या कहा जाएगा, हेडिंग कही जाएगी, बीसीसी कही जाएगी, ठीक। चलिए मैं बनाता हूँ, यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए सुनो गौर से गांव वालों, सुनो गौर से गांव वालों, देखिए ये क्या बन रही है आपकी, बताइए जल्दी से, हाँ नहीं नहीं दूसरा का नाम बोलिए, हाँ ये कौन सी है, एक कोष्ठिका है, बताइए ये देखिए ये जा रहा है कुछ मिला दिया, ठीक। अब बताओ क्या बना है, इनके बताओ कहाँ बन गए, कोनों के बन गए, कोनों पर, कोनों के अतिरिक्त बोलिए जल्दी से कहाँ बनते हैं, कोनों के अतिरिक्त, हाँ बस बस कहाँ, गलत बता रहे हो, हाँ किसके केंद्र पर, कोष्ठिका का, किसके कोष्ठिका का, बताइए बताइए कोष्ठिका का केंद्र कहाँ होगा, ये मान लीजिए आपकी क्या है कोष्ठिका है, बताइए इसका केंद्र कहाँ होगा, यमा यमा कहाँ, इसके इधर से इधर से इधर से इधर से चारों ओर से क्या होगा, बीच में, चारों ओर से बीच में होगा, तो मतलब इन सभी के क्या होगा, केंद्र में होगा, तो यहाँ केंद्र बना दे रहे हैं हम, यही होगा ना कोष्ठिका के, क्या है अब ये मत कहिएगा कि अगवा वाले के बीच में है चाहे हिदरिया वाले के बीच, नहीं इसके कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, अंदर चाक वाला जो डब्बा आपका होता है इसमें हाथ नहीं जा रहा है, चाक वाले डब्बे में क्या होगा, हाथ आपका चला जाता है, ठीक, उसमें जो केंद्र बनेगा बीच में जो बनेगा वही बात बताई जा रही है कि कोने पर तो होबा करेंगे यहाँ यहाँ एजुनिया ओजुनिया एजुनिया ओजुनिया होबा करेंगे, उसके अलावा कहाँ होंगे, इसके केंद्र पर होंगे, उसे क्या कहा जाता है बताओ, कौन सी कोष्ठिका, हाँ ठीक, अंग्रेजी में नाम इसका क्या है, बॉडी सेंटर सेल होता है, ठीक, तो इसको कहते हैं बीसीसी। फिर से बोलिए परिभाषा हमारे साथ बोलिए, परिभाषा हमारे साथ बोलिए क्या होगी, हाँ यदि अव्यवीकरण एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो तो गौर फरमाइए, हाँ उसे हेडिंग कहते हैं, ये लिखना है आपको, तो लिखेंगे, हाँ लिखिए परिभाषा, लिखिए करंट की तरह लिखिए परिभाषा, यदि अव्यवीकरण एक कोष्ठिका के, यदि अव्यवीकरण एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के, कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो तो, केंद्र पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की कोष्ठिका को, या तुरंत वही लिख दीजिए हेडिंग कहते हैं, इस प्रकार की कोष्ठिका को हेडिंग कहते हैं, या हो तो उसे हेडिंग कहते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक। फिर से बोले सुन लीजिए, यदि अव्यवीकरण एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो तो हेडिंग कहते हैं, हेडिंग का मतलब क्या कहते हैं, अंत केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं, या तो इस प्रकार की कोष्ठिका को अंत केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं, पता चला बात। अब इसमें बताइए हम लोग क्या निकालें, क्या निकालें बोलिए जल्दी से, हाँ कौन से कण निकालें, प्रभावी कण, बताओ प्रभावी कण का मतलब क्या होगा,
हाँ प्रभावी कर का मतलब जेड आएगा, जेड जेड आएगा, जेड बताओ। जैसे ही जेड आएगा तो आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि जब कोने पर रहेंगे तो कितने से गुणा किया जाएगा, 1/8 से। ठीक, अच्छा सुनिए सुनिए, आप खुद बताइए कि कितने इसमें कोने बन रहे हैं, 8 कोने बन रहे हैं। अच्छा बताओ 8 बन रहे हैं तो क्या करेंगे, 8 गुणे क्या करेंगे। अच्छा पहले पहले ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभावी कड़ी इसमें देखिए कहाँ कहाँ होंगे, बताओ कोने पर कितने हैं, 8 को कहाँ है, कोनों पर है। 8 कहाँ है, कोनों पर, 1 थे केंद्र पर, किसके केंद्र पर है, एक कड़ जो है किस पर है, केंद्र पर है, केंद्र पर। तो ध्यान से सुनिए, केंद्र पर, तो जब बताओ कोनों पर रहता है तो क्या करते हैं, 1/8 से गुणा। अब बताओ बताओ जब केंद्र पर रहेगा मतलब गोली जो है इसके बीच में अंदर रख देंगे तो किधर से कटेगी, गोली जो एट गोली ले ले और इसके अंदर बीच में यहां रख दें तो बताओ कहां से कटेगी, किधर से कटेगी, पूरा इसी में रह जाएगी, मतलब ये आपके पूरा का पूरा बच जाते हैं। तो 1/8 प्लस क्या हो जाएगा, केंद्र पर होगा तो 1/1 हो जाएगा, तो उनको कटबा नहीं करेगा। ठीक, तो बताओ मिलकर के क्या आ जाएंगे, ये आपका कट जाएगा कितना मिलेगा, 1+1। ठीक, तो बताओ जेड बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया, 2 कितने हो गए, 2। तो बोलिए प्रभावी कण बताइए अंत केंद्रित एक कोष्टिका के कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो इसका एका नोट किया जाए, प्रभावी कण लिख करके ऐसे बना लीजिए, 2 आए हैं, पता ना चला हो तो फिर से बता दें इसको, पता नहीं जी, पता नहीं चला हो तो बता दें इसको, नहीं बताए, नहीं बताएं जी, कितना तेज हो तुम सर, देखिए मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, एक बार बता दिया कोई पूछ ही नहीं पाता है, एक बार बताने के बाद कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा पढ़ा देता हूँ मैं, और ये जबरदस्ती हो लगा तो आता हुआ। नोट कर लिए जिसको जहां न आए, सभी लोग स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, पूछ सकते हैं, बोलो कुछ पूछना चाह रहे हो, अगर अगर कभी मन में ख्याल आ रहा होगा क्या जो है कोने पर है, केंद्र पर न हो, तो इसकी कंडीशन है बताई जा रही है कि जब ये केंद्र पर होगा तब पर इसे कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे, तो कोष्ठिका आपके प्रकार में नहीं आएगा, कोने पर तो आपके फिक्स हैं। मतलब एक बात कॉमन है कि चारों कोष्ठिका में कोने पर क्या है, फिक्स है। ठीक, उसके बाद कंडीशन लगानी है, उसके बाद एक कंडीशन लगाकर आपको जोड़नी है। चलिए पता चला, पता चल गया परिभाषा, एक बार अपने मन से बोलिए फिर से, यदि अव्यवी कण एक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित हो तो क्या कहते हैं। ठीक, ये हेडिंग कहते हैं, पेपर में पूछा जाता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए गलती से काय, क्या पूछ लिया जाए, काय कोष्ठिका बताइए, तो सरल वाले को कहते हैं काय। ठीक, ये जो है बात अभी आपको डेरिवेशन में बताई जाएगी, ये अभी बात बताई जाएगी, मिटाए कौन सा पढ़ा जाएगा, गलत, अच्छा करे गलत कर रहे हो, ए पलट देखिए, चले देखिए अगली कौन सी कोष्ठिका है बताइए, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको क्या कहते हैं, हाँ ये देखिए फिर ठीका पर आ गए सीसी लेकर, अब की बार कौन आए हैं, फेकू जी लेकर आए, फेकू जी आप सीसी आप, देखिए देखिए क्या होता है, सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, फिर आपको परिभाषा के लिए क्या करना है, अवयवी कण लेकर के आने हैं, अवयवी क्या लेकर आने हैं, कण लेकर के आने, कहाँ लेकर आने हैं, एकक, एकक किस पर, एकक कोष्ठिका पर लेकर आने, अच्छा एकक कोष्ठिका पर कहाँ आएंगे, सबसे पहले कहाँ आएंगे, कोनों पर आएंगे, कोनों पर कहाँ आएंगे,
कोनों पर, उसके बाद उसके अतिरिक्त कहाँ आते हैं? प्रत्येक, बोलो क्या होता है? प्रत्येक फलक का, फलक पर, किस पर? प्रत्येक फलक पर आएंगे। प्रत्येक फलक पर परिभाषा तैयार है आपकी? परिभाषा तैयार है? चलिए चखा जाए। परिभाषा आपकी तैयार है? इंतजार करिए, देखिए क्या कह रही है। देखिए, यदि अव्यवीकरण, बोलो यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के प्रत्येक कोनों पर या कोनों के अतिरिक्त, क्या बोलेंगे? यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो तो बताओ क्या कहा जाएगा? ठीक है, सुनिए ध्यान से। यदि अव्यवीकरण, बोलिए यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो तो हेडिंग कहते हैं। हाँ, फलक केंद्रित एक कोष्टिका। बात ये है जो आपको हजम न होने वाली या पचने वाली बात नहीं है, बात यह है कि फलक किसे कहते हैं। फलक मतलब, हाँ, पृष्ठ, उसका जो भाग होता है, फेस। फलक का यहाँ क्या होगा? फेस होता है। तो बताइए इसके कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? अभी सामने से आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है, ये बगलिया से कौन चेहरा? दो चेहरा हो गया। आ इधरिया कौन चेहरा? तीन चेहरा। हाई बोलिए, चार हो गया। ऊपरांक बोलिए, आए नीचमक बोलिए। टोटल कितने चेहरे इसके दिखाई दिए? छह। वैसे फलक में बताओ कितने चेहरे होंगे? छह। कोने कितने होते हैं? चेहरा कितना होता है? हाँ बताओ, कोई पूछे आपसे कि बताइए एक कोष्टिका के कितने चेहरे होते हैं तो क्या बताएंगे? सोच लीजिए, काली जी हैं ये, रूप बदल लेती हैं, नहीं तो क्या? छह फलक, कितने चेहरे हो गए? छह। तो बताओ चेहरे को मतलब फेस को, इसको क्या कहा जाएगा? फलक। देखिए मैं गिन कर बता दे रहा हूँ, गिन कर बताऊं? सर नहीं बताएं, नहीं बताएंगे, बताएंगे। ये हो गया आपका, बताइए क्या हो गया? एक हो गया, ठीक। इधर हो चुका एकाबाद, इसके पीछा वाला का मान दिए दो हो गया, ठीक। एकाबाद, एकाबाद चलिए ऊपर, क्या हो गया? ये तीन हो गए, इसके नीचे कितने हो गए? चार हो गए, ठीक। इधर यहाँ कितने हो गए? पांच हो गए, एक थे और कौन बच गए? छह हो गए। और कोई बच रहा है? पलट पलट के देख लीजिए इधर उधर, कहीं बच रहा है? नहीं बचा। टोटल कितने फलक हो गए बताओ? एक कोष्टिका के फलक होते हैं, हाँ, बहुत विकल्पी प्रश्न कैसे पूछा जाता है। एक कोष्टिका के क्या होते हैं? फलक होते हैं। कितने होते हैं? ठीक, चलिए बनाए। परिभाषा रटी है? परिभाषा तैयार है? चखे है ना? यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो तो क्या कहते हैं? हाँ, उसे हेडिंग कहते हैं, हेडिंग। चलिए देखिए, देखिए देखिए, चित्र देखिए, चित्र देखिए, इसका चित्र देखिए कैसा बनेगा। चित्र बना लेंगे? क्या बात है, ऐसा पढ़ा दिया मैंने, चित्र बना लेंगे? डायलॉग, डायलॉग तो इसमें पुष्पा चल रहा है, पुष्पा बोला तो फ्लावर समझा क्या? पुष्पा बोला, पुष्पा बोलकर फ्लावर समझे कैसे? डायलॉग, हाँ, पुष्पा नाम सुन के नहीं, ये है। चल, ये क्या है? फ्लावर नहीं है ये, देखिए डेकोरेशन इनका कर दें। चलिए देखिए इनका डेकोरेशन, कौन रेशन होता है? हाँ, तो कैसे रेशन कौन होता है? चलिए ये बताओ क्या बन रहे हैं बताओ? अभी देखिए आपका जो तैयार हो रहा है, ये बताओ तैयार होकर आई है? इनका फलक देखना है आपको, चेहरा देखना है, तैयार होकर आ रही है, देखिए आपके सामने तैयार होकर आ रही है, देखिए। अब बताओ तैयार होकर अब क्या आ गई है आपके सामने? अब देखिए सरल आ गई, सरल। सोचिए तैयार होकर आई है तो क्या हो गई? ये सरल हो गई। अगला देखिए, जब तैयार होंगी तो क्या होंगी? प्रत्येक क्या होंगी? फलक पर। अच्छा, प्रत्येक फलक के भी केंद्र पर होता है। प्रत्येक फलक के कहां पर? प्रत्येक फलक के भी क्या होते हैं? केंद्र होते हैं, केंद्र, ठीक। प्रत्येक फलक के कहां होंगे? लिख चुके थे कहां? प्रत्येक फलक के भी कहां होंगे? केंद्र पर होंगे। चलिए बताइए इनका केंद्र कहां होगा? इस फलक का जो हम लिखे वन वन लिखा गया, ये बताइए इनका जो केंद्र बनेगा कहां बनेगा? यही बनेगा, ठीक। चलिए वन का मतलब, चलिए देखिए पहले मैं इनका बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इनका केंद्र कहां बनेगा? यही से बनेगा, सबका केंद्र बीचम ना होता है, ये भगवान। इनका बताइए, इनका बताइए, बताइए इनका तो, हाँ सोचने, कुछ लोग सोच रहे हैं कहां होगा केंद्र इसमें, बताइए। हाँ बस, मात्र एक भाषा, मात्र एक भाषा बोलिए, यहां बोलिए। हाँ बस बस, ये रहे आपके क्या हो गए? केंद्र। तैयार हो गए पूरा? नहीं, अभी और कहां रहेंगे? अभी देखिए सामने वाला, पहले आप पीछे वाला देखिए, पीछे वाला देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए, देखे कैसा लग रहा है?
तैयार हो गई, बताइए कैसा लग रहा है ये। चलिए देखिए, इनके केंद्र का बनेगा, ये केंद्र बनेगा, बनेगा इनका इनका इनका, बताइए अरुण बताओ इसका, इसका केंद्र है ये सही, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो ये देखो ये देखो ये इनका देखो ये कैसे लग रही है, पहले से अच्छा अच्छा। चलिए ये देखो इनका इनका केंद्र कहाँ बनेगा, इनका केंद्र कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा बीच में, ठीक। टोटल बताओ कितने केंद्र हो गए अब यहाँ फलक के, छह, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। अब ये आकर बताइए आपके क्या बनकर तैयार हो गई हैं, हाँ फलक, अब इनको कहिए पलट, ठीक। चलिए क्या होगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फिर से सुन लीजिए परिभाषा एक बार सुनिए, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। परिभाषा अपने मन से लिखेंगे, हम बोल रहे लिखिए, गौर फरमाइएगा। यदि अव्यवीकरण वाह लिख लिए क्या, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्ठिका के, यदि अव्यवीकरण एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, बस बस लिख लिए, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो तो, हो तो यहां से दो कंडीशन है, हेडिंग कहते हैं ये भी लिख सकते हैं, हो तो ठीक है, यहां से दो कंडीशन है, हेडिंग कहते हैं ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार की एक कोष्ठिका को हेडिंग कहते हैं, ऐसे भी दो कंडीशन यहां से है। तो आप स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र घर के, स्वतंत्र नागरिक हैं, हाँ आप इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, लिखे। चलिए अब क्या निकाला जाए इसमें, प्रभावी कर, चलिए प्रभावी हैं आप लोग, प्रत्याशी नहीं है, कौन सा भावी है, प्रभावी, कौन सा भावी है, प्रभावी, नोट किया जाए, देखिए प्रभावी कौन से कर हैं, पहले बोल लीजिए उसके बाद नोट करिए, देखिए प्रभावी कर क्या निकाला जाएगा, प्रभावी कर बताओ, प्रभावी कर को किससे दिखाएंगे, जेड से, जेड बरोबर बोलो क्या आएगा, कहां कर है, कहां कर है, पहले तो सबसे पहले क्या है, आठ गो कर बताओ कहां उपस्थित है, हाँ कोने पर है, कोने पर, इसके बाद प्लस बताओ, और बताओ, और कहां है, फलक के केंद्र पर, कितने हैं फलक के केंद्र पर, छह है, छह, तो छह लिखा जाएगा किसके, पलट नहीं, फलक, फलक के क्या होंगे, पलट लिख दिए, क्या होंगे, फलक, फलक के क्या होंगे, हाँ बस बस केंद्र पर, ठीक। चलिए देखिए, अब जब हम देखिए, जब बताओ कहाँ होंगे, कोनों पर होते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, 1/8 से, अच्छा बताओ जब फलक पर होगा तो कितना भाग अंदर होगा, ये देखो खुद सोचिए कि बताओ अगर इसके हम केंद्र पर रखेंगे तो कितना भाग अंदर रही, कितना बाहर रही, बताओ कि मतलब एक गोली ले लिए, गोली को बताओ एक केंद्र पर अगर हम रख देंगे तो बताओ इसका कितनी भाग अंदर रही, कितनी बाहर रही, आधा, आधा बाहर रहेगा आधा अंदर, हमसे मतलब किससे है, अंदर से, तो अंदर कितने भाग होंगे, 1/2 होगा, 1/2 होगा, तो ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे बताओ, 8 × बताओ 1/2 क्या होगा, 8 प्लस इसका बताओ 6 × 1/2 क्या होगा, बस बस बताओ 8 × 8 क्या हो गए, अल्लाह कुर्बान हो गए, ये बताओ क्या बचेगा, 3 × 3 कितना होगा, 4 होगा, 4 बोलो, 4 कितने मिले, क्या मिले, कौन से मिले, 4 प्रभावी कर, देखिए प्रभावी कर की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई है, ठीक, पता चला, छापा ऊपर गलत लिख दिया क्या, ये प्रभावी कर जेड बराबर लिखा गया है 8 कोने का मतलब 8 गो कर जो है कोने पर उपस्थित है, 6 फलक के केंद्र पर है, इनके साथ गुणा किया गया है, किसी को डाउट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, हाँ आधा कैसा है जी, देखिए आपको आपको क्या बनाना है, गोलियां हमारी कहाँ गई जी, गोलियां भाग गई क्या, चलिए देखिए गोली जो है, ये गोली आपकी तैयार हो गई, ये गोली है, इसको बनाते रहिए, ये गोली है, अब इसी गोली को बताओ यहां रखेंगे बीच में, यहां केंद्र पर इसके रखेंगे केंद्र पर, तो इस परत के बताओ कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो बताओ आधा ये अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा,
केंद्र पर होगा तो अंदर वाले भाग से मतलब है, बाहर वाले भाग से मतलब नहीं है। तो जब अंदर कितना आएगा, आधा आएगा, तो आधा भगवा लिया जाएगा, मानी एक बटे दो, आधे को ही कहते हैं एक बटे दो, तो एक बटे दो से इसमें गुणा कर देंगे। इसका एक बटे आठ भाग आ रहा था तो इसलिए एक बटे आठ से गुणा कर रहे थे, इसमें आधा भाग आएगा इसलिए आधा से गुणा करेंगे। ये बात थी, बाहर की आवश्यकता पड़ेगी, बाहर की आवश्यकता सवाल में पूछा जाता है तो बाहर से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा बाहर से मतलब, अच्छा कभी आप कह देंगे कि बाहर वाले भाग से जरूरत नहीं, इसी को बताओ ऐसे चार पांच डब्बा अगर रख देंगे तो क्या निर्माण हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का, तो इनकरे का दिन का आधा मर रही है, दूसरे के डब्बा का दिन का आधा उमन चल जाए, कैसे बाहर की आवश्यकता होगी। बात समझ में आई, मतलब ऐसे डब्बा है चार पांच डब्बे ऐसे और रख दिए तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक बन जाएगा। जब जालक बनेगा आधा एमन आधा एकर, आधा जो बाहर एकर होता है वो दूसर के वाले का रही अंदर भाग रहेगा, तो ऐसे करते करते बताओ बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, ये होता है, पता चला। कौन बचा है, कौन बची है, नहीं बची है, बचा है, कौन बचा है, जल्दी बोलिए। ये बात समझ में आई है, सभी लोग नोट कर लिए हैं, किसी को पूछना है पूछिए, ऐसा पढ़ा दिया किसी को पूछना ही नहीं है, नहीं पूछना है ना, कुछ लोग करें नहीं, चलिए बताएं अगली। चलिए देखिए, सभी लोग लिख लिए हैं हेडिंग, हेडिंग का नाम है अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, इतना लिख लिए हैं, लिखिए हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बतला रहे हैं। बताएं, देखिए बस परिभाषा बन के तैयार है आपकी, परिभाषा बन के क्या है, तैयार है, बस आपको देखना है। चलिए दिखाएं, देखिए 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 ध्यान से क्या होगा, देखिए परिभाषा बनकर तैयार, सेम वही परिभाषा, यदि अव्यवीकरण बताओ क्या होगा, एक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर, किस पर, हाँ किन्हीं दो फलकों के किन्हीं दो फलक, दो क्या होगा, फलक के कहां कहां केंद्र पर, बस बस तैयार हो गया, तैयार हो गया। देखिए एक परिभाषा में सब कुछ ऐड हो जा रहा है। देखिए क्या है, यदि अव्यवीकरण, बोलिए यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाएगा, ACC कहा जाएगा। ठीक, ये फिर से आपका ठीका तैयार बन गया। अब इसको देखना है आपको तैयार है कैसा दिखाई दे रहा है, बताइए। अब देखिए इसी में क्या करेंगे, आप देखिए फलक को क्या कर दिए, इनको देखिए मिटा दिए, कितने फलक पर केंद्र पर होने चाहिए, एक ऊपर कर दिए एक नीचे कर दिए, चित्र ऐसे बना सकते हैं, या तो इनको मिटा करके इनकी इनकी जगह ला सकते हैं। ठीक, या तो इनके और इनको भी हटा दीजिए, इस एक बाहर वाले के पिछले वाले भाग पर और एक अगले वाले भाग पर भी ला सकते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। ठीक, तो बात समझ में आई परिभाषा, एक बार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक बार बोलना पड़ेगा, एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए कि नहीं, बोलिए यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो उसे, हाँ लिखिए, हम बोल रहे हैं लिखिए, यदि अव्यवीकरण एक कोष्टिका के एकक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर, जो लोग लिख लिए वो बनाते रहे, किन्हीं दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की कोष्टिका को अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं, या हो तो हेडिंग कहते हैं, हो तो इसे हेडिंग कहते हैं। बोलो हाँ, हाँ बोलिए, सब बस खाना पीना सब डाउन हो गया, नहीं बोल पा रहे, हाँ ठीक,
नेहा कह रो रही हो, सहेलियां तो तुम्हारी नहीं आ रही है। चलिए बताएं, प्रभावी कट निकालें। सभी लोग यहां देखें, सबका ध्यान इधर इधर पलट, इधर देखिए, यहां यहां देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर सभी लोग देखें, बोर्ड पर। हाँ देखिए, प्रभावी कट बताओ कहां, आठ गो कट कहां उपस्थित है, कोनों पर। कोनों के अतिरिक्त बताओ फलक के केंद्र पर कितने हैं। हाँ फलक के केंद्र पर दो बताओ, दो क्या है, दो है आपके फलक के कहां है, केंद्र पर है। चलिए फलक के केंद्र पर है तो बताओ उसके लिए क्या किया जाएगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए जल्दी से, क्या लिखा जाएगा, आठ गुड़े एक बटे आठ, ठीक। अब प्लस ये क्या आएगा, दो गुड़े एक बटे दो, बताओ आठ से आठ क्या हो गए, अल्लाह को कुर्बान हो गए, दो से दो क्या हो गए, अल्लाह को मेहरबान हो गए, कितने बचे, एक प्लस एक, बताओ जेड बराबर कितना मिल गया, बताओ दो बचा दो, ठीक। यानी प्रभावी कट इसके कितने आ गए, बस बस यही आपको लिखना है। कैसा देखो, फलक पर ना है, फलक ही ना है तो कहीं फलक रहेगा, नीचे रहे फलक, चाहे इधर भी रहे किधर भी रहे, आधा होगा ना। जब भी फलक का नाम आएगा तो क्या मन में ख्याल आना चाहिए, आधा। कोने पर नाम आए तो क्या आना चाहिए, आ जब कोष्टिका के ही केंद्र पर आए तब कितना, पूरा पूरा एक, ठीक। कोष्टिका के ही जब केंद्र पर आए या एकक कोष्टिका के केंद्र पर आए तो पूरा पूरा हो जाएगा, आ जब कोने पर आएंगे तो एक बटे आठ। अब बना लीजिए, स्वादानुसार बनाइए इसको, स्वादानुसार चखिए इसको, बना लिए का अरुण, अरे बहुत तेज हो, आठ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ में ये बातें न आ रही है, पूछना चाहते हैं मगर पूछ नहीं पा रहे हैं, तो पूछ सकते हैं, शर्माना छोड़िए, पूछिए। हाँ काहे नहीं, ये हाँ निश्चित नहीं, किसी भी किसी दो फलक पर, हाँ किन्नी, इसीलिए साफ साफ लिखा किन्नी दो फलक पर, क्यों नहीं निश्चित है। जब निश्चित नहीं है इनका ना मतलब फलक कितने होते हैं, छह होते हैं, और जब छह पर होंगे तो अलग बन जाएगा, जब छह पर होंगे तो अलग बन जाएगा। अब इसको लिखवा दिया कि किन्नी दो फलक पर होते हैं, तो दो फलक आप चाहे इसको ले सकते हैं, चाहे इसको ले सकते हैं, ये इनका नियम है ना। जैसे मतलब दो और प्लस दो चार होता है, क्यों चार होता है, जोड़ने पर होता है चार ना, जोड़ जोड़ का नियम है। वैसे ये जो आपकी कोष्टिका है, ये कोष्टिका बता रही है कि चाहे आप हमारे दो फलक पर लग लेंगे, रख लेंगे दो फलक पर रख लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ अंत केंद्र, मतलब इनके जो प्रकार हैं आप इनको ऐसे रखेंगे तो इतना बन सकता है, जब ऐसा नहीं रखेंगे तो इनके दोष पड़े जाएंगे, जब ऐसा नहीं होगा तो इनके रिक्तियां पड़ी जाएंगी, इनमें रिक्तियां भी आती, इनमें दोष भी आता है, अपूर्णताएं नाम से मिलेगा। दोनों कंडीशन इसमें, दो कंडीशन नहीं के लिए दो कंडीशन है के लिए फिक्स बता दिया गया कि जब ये रहेंगे तो होगा, और जब इनका नहीं रहेगा तब उनके लिए आपको रिक्तियां पढ़ाई जाएंगी और अपूर्णताएं भी पढ़ाई जाएंगी, दोष भी पढ़ाया जाएगा, ये दो कंडीशन है। चलिए बोलिए, एससीसी के कितने जेड बराबर आए थे, बीसीसी के, एफसीसी के और ईसीसी के, कितने कोष्टिकाएं होती हैं, कौन कौन सी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, ठीक, पता चल गया, शेष कल, ठीक।